मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं। उस काम में लगा हूं। अब तीसरी बीमारी बताता हूं, डायबिटीज हो गई, बहुत हो रहा है आजकल गांव-गांव। तो आप इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन बहुत खतरनाक है। इंसुलिन के बारे में सब डॉक्टर कहते हैं कि जो इसकी डिपेंडेंसी हो गई आपको, तो ये लेके ही जाएगी आपको दुनिया से, क्योंकि इंसुलिन बार बार लेने से किडनी खराब होती है, लीवर भी डैमेज होता है, और जो इंसुलिन लेने लगता है ना, उसको कुछ भी हो जाता है। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो आप कभी भी ये इंसुलिन पे निर्भर मत करो डायबिटीज के किसी भी पेशेंट के लिए। फिर आप बोलेंगे क्या करें, आपके घर की दवाएं हैं जो आयुर्वेद से आई हैं, उनका उपयोग करो। सबसे अच्छी दवा है मेथी का दाना, सब घर में है। तो जिनको भी डायबिटीज है उनको बोलो कि 2 चम्मच मेथी का दाना रात को पानी में डालें, सवेरे उठ के पानी को घूट घूट से पिए और मेथी चबा के खाएं। बहुत सरल इलाज है, 3 महीने में आप देखोगे शुगर नॉर्मल रहेगी। लेकिन शुगर नॉर्मल हो जाए तो ये मतलब नहीं है कि मेथी का दाना छोड़ देगा, आगे कभी भी ना हो भविष्य में थोड़े दिन खाते रहो। और जो और ज्यादा शुगर है मेथी के दाने से नहीं मिट रही है, तो एक छोटा काम करो कि मेथी का दाना खाया, उसके आधा पौना घंटे के बाद करेले का थोड़ा रस पी लो, आधा कप, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर इन दोनों से भी कब्जे में नहीं आ रही है, कंट्रोल नहीं हो रही है शुगर, तो तीसरा और आखिरी उपाय करो, जामुन की गुठली का पाउडर बना लो, वो चम्मच भर के गर्म पानी से फंकी ले लो खाने के आधा घंटे पहले या आधा घंटे बाद। ये 3 एक साथ करो तो गारंटी से शुगर ठीक। बहुत आसान इलाज है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई खर्चा भी नहीं है, ये सब चीजें घर में मौजूद है। जामुन तो सबसे सस्ता फल है, मौसम के समय में जामुन की गुठली खरीदो तो शायद 1 रुपए में 5-7 किलो या 10 किलो मिल जाएगी। सुखा के कूट पीस के पाउडर बना के रख लो।